एक लड़की ने अल्लाह को चैलेंज कर दिया. कैन यू बिलीव इट? यू हैव टू, क्योंकि ऐसा वीडियो बेहद वायरल हो रहा है इंटरनेट पे, जिसे आज हम देखने वाले हैं. हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम. मैं निधि शर्मा इंडिया से, और एक बहुत ही प्यारी सी लड़की है जिसने अपनी गाड़ी की विंडो से बाहर निकल के कुछ ऐसे कहा कि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्या कहा, पर इस वीडियो के अंदर देखकर हम समझ जाएं. बेसिकली थंबनेल में आई कैन ओनली विटनेस कि वो लड़की विंडो से बाहर निकल के अल्लाह से कुछ कह रही है. तो वो क्या कह रही है, चलिए देखते हैं. कैन यू बिलीव इट कि कैमरा के सामने आप चैलेंज कर रहे हो अल्लाह को? दैट्स क्रेजी. एंड ऑल माइटी अल्लाह, गॉड इज ग्रेट, अल्लाह अकबर. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. माई आईज कांट वेट राइट नाउ. दोस्तों, इस वीडियो में ये ईसाई लड़की अल्लाह को चैलेंज कर रही थी, लेकिन फिर आगे जो हुआ, इसने ईसाई लड़की की आंखें खोल कर रख दी. दोस्तों, इस पूरी वीडियो में एक ईसाई लड़की अपनी गाड़ी में बैठकर वीडियो बना रही थी. खूब मौज मस्ती के आलम में थी. इसी दौरान खिड़की से मुंह निकालकर आसमान की तरफ करती है और अल्लाह की जात को चैलेंज देती है कि वाकई खुदा मौजूद है तो मुझे इसी वक्त अपनी कोई निशानी दिखाए तो मैं मानूं कि अल्लाह मौजूद है. Amazing. दोस्तों, फिर अचानक अल्लाह का करना ऐसा होता है, फौरन आसमान से कड़कती हुई खतरनाक बिजली नमूदार होती है, जिसकी आवाज सुनते ही इस लड़की के चेहरे का रंग बदल जाता है. मुंह और आंखें बस खुली की खुली रह जाती हैं, होश और हवास उड़ जाते हैं. इत्तेफाक से ये पूरा मंजर इसी लड़की के कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है, जिसे अल्लाह ने अपनी कुदरत की ऐसी निशानी दिखाई जिसे देखकर इस लड़की के होश और हवास बाकी ना रहे. बाज़ दफ़ा दोस्तों, अल्लाह ताला उसकी ज़ात को चैलेंज करने वालों को उसी वक्त अपनी निशानियाँ दिखा दिया करता है. वैसे तो ये पूरी दुनिया ही उसका मुजज़ा है, जिसे देखकर इंसान को खुदा याद आ जाए. दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. बिल्कुल, इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें. दिस वीडियो इज एक्सट्रीमली शेयरेबल. मतलब ये तो करना ही चाहिए. डायरेक्टली गाड़ी से निकल के उसने बोला कि गॉड गिव मी सम साइन, एंड देन गॉड गिव हर साइन. भयंकर तरीके से चौकन्ना हो गई थी कि ये हुआ क्या. मैंने जैसे ही अल्लाह को पुकारा, अल्लाह ने बिजलियाँ कड़का दी, मुझे बताया, एहसास करवाया कि हाँ मैं हूँ. बहुत सारे एथिस्ट लोग ऐसे हैं दुनिया में, वो बोलते हैं कि हम नहीं मानते कि अल्लाह, गॉड, परमपिता परमेश्वर, भगवान, ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है. मैं उन सब लोगों को ये कहना चाहती हूँ, अगर अल्लाह एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो आप इस दुनिया में कैसे आए? आपके माता पिता, आपके दादी दादा, एवरी वन हैव अराइव्ड इन दिस अर्थ, और एक दिन हम सब चले जाएंगे. इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया सिर्फ इतनी सी, जैसे कि सपोज आई लिव फॉर 150 ईयर्स, तो सिर्फ 150 साल की दुनिया. दुनिया तो हजारों सालों से चलती आ रही है, तो क्या इसको हमने बनाया है? नो वेज. एक क्रिएटर है जिसने ये पूरी कायनात क्रिएट कर दी. एंड व्हेन यू कम इनटू कॉन्शियसनेस, तब आपको एहसास होता है कि आपका डायरेक्ट कनेक्शन है अल्लाह से, कोई मीडिएटर की जरूरत नहीं है. हाँ, पैगंबर नबी जो हैं वो हमको अल्लाह ने टाइम टू टाइम भेजे हैं उनका पैगाम देने के लिए. कनेक्शन हमारा डायरेक्ट है उधर से. तो जितनी बार याद कर सको दिन में अल्लाह सुभान व तआला को, भगवान को, ईश्वर को, खुदा को, गॉड ऑलमाइटी, दिस यूनिवर्सल एनर्जी को करा करो. गुड फॉर नॉट ओनली यू बट दिस होल यूनिवर्स. आप ना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा. आज तो नेक्स्ट लेवल वीडियो देख लिया यार, मज़े ही आ गए. अल्लाह हाफिज़.